गाइज मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा, अब पूरा देखिए क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अकेले बनाती हूँ, अकेले एडिट करती हूँ। गाइज आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। की तरफ चल रहा है और जैसे इसमें तो पूजा पाठ होता नहीं है क्योंकि मेरी सासू माँ मरी हुई है और जो है पानी भी देना पड़ता है। 9 दिन पूजा नहीं होता है, बाद श्राद्ध होता है, फिर इनका मतलब खाना ना बनाकर पंडित में खिया जाएगा, फिर इसके बाद तब पूजा पाठ होता है। इस समय तो पूजा पाठ हो नहीं रहा है, पूजा हो नहीं रहा, और जब घर में पूजा पाठ नहीं होता है ना गाइस, तो मन भी नहीं लगता है। सुबह अगर उठो काम धंधा करने के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ कर लो तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, क्योंकि जब पूजा हो जाता है घर में तो इससे लगता है कि सारा काम हो गया है, क्योंकि 9 दिन तो पूजा होगा नहीं। तो गाय देखिए मेरी सासू माँ है, क्योंकि ना पितरपक्ष में जो है बहुत याद आती है, क्योंकि इनके पापा पानी भी देते हैं और अपने भगवान जी को मैं दिखा रही हूँ। आजकल भगवान जी बिल्कुल इनका पूजा पाठ तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि पानी देना पड़ता है, इस समय तो पूजा होता नहीं है। आए हैं कि पितरपक्ष में जो है पूजा पाठ नहीं होता है, आप लोग मेरे सासू माँ को देख भी लिए हैं, जैसे जो है बहुत दुख की बात होता है। जब पितरपक्ष आता है तो बहुत याद आता है इनके पापा, क्योंकि पानी देते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो गाइस इसमें जो है पितरपक्ष में कपड़े भी मतलब नया नहीं पहना जाता है, कोई भी चीज जैसे नया यूज नहीं किया जाता है, कोई भी चीज हो गया, बिंदी हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर जिसमें तुम आप लगा रहे हो जो यही पत्ता है इसी से यूज करियो, और कोई अगर नया चीज है तो ना पहन सकते हो ना यूज कर सकते हो। तो 9 दिन तो बनाना होता है, सब कुछ बनाना होता है चाहिए, जो परंपरा है इसको तो निभाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये चीज तो सबके ऊपर होता है। लोग बने रहिएगा, आगे आप लोगों को मैं दिखाते हूँ। तो गाइस देख रहे हैं आया है 12 बजे आ गया है, सो रहा है। गाइस से बात तो कर लो, सो रहे हो? सो के उठूंगा तब करूंगा। क्यों सोए नहीं, 2 घंटे से सो रहे हो लाला, कितना सोओगे तुम? गुड नाइट गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब ट्यूशन का तैयारी कर रहा है। अब जा रहे हो ट्यूशन? क्या बोलता क्यों नहीं है तू कुछ? गाइस ये बोलता कम है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आर्यन जो है ट्यूशन से आए हैं, इससे मैं बोली कि थोड़ा सा चाय बना दो। रियल चाय गाइस बना के रखा हूं। पता ये चाय। इतना झूठ बोलता, चाय तो हम बनाए हैं। बोले चाय बना दो तो बोला नहीं मम्मी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, और बैठ कर टीवी देखा 10 मिनट, फिर इसके बाद पढ़ाई करने लगा, तो चाय मैं बनाई, बनाकर इसको तो भी गिलास में ही पीते हैं, क्योंकि मुझे कप में चाय पीना अच्छा नहीं लगता, मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। तो गाइस देखिए ये ड्यूटी से आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, आते मान देखिए हाथ में मोबाइल और चेहरे पे स्माइल दोनों जारी है। तो खाना ना आपको खाना है कि नहीं? खाना क्यों नहीं खाना है यार, आज तो पहले मोबाइल चलाते हैं। अरे अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ यार, तो थोड़ा सा छोटा मोबाइल चला लूं। आपको चाय बना कर दिए, पानी दिए, अभी रिलैक्स नहीं हुए आप? नहीं आज सर में दर्द हो रहा है, इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम सर पे तेल रख देंगे आपको। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या आपके? जो मेरा तेल है वो तेल रखना, राहत रूप वाला। अब अच्छा ये सर दर्द का अच्छा तेल है ये? हाँ वो रखना मेरे पास, आंवला वाला मत लगाना मुझे, आंवला से तो बहुत बाल झड़ रहा बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या ये जो पितृपक्ष चल रहा है, रोज जो पानी देता हूँ अपनी मम्मी को, तो जिस दिन नौमी रहेगा उस दिन खाने में क्या क्या बनाओगी? बनाएंगे चना के दाल की पूड़ी बनाएंगे, और जो है जो भी इनको पसंद है, बड़ा है और जो रिकवच है, मतलब जो भी इनको पसंद है वही वही खाना बनेगा, पूड़ी बनेगा, सब्जी बनेगा। और इनको सेवई पसंद है कि खीर पसंद है? उनको तो खीर भी पसंद है, सेवई पसंद है। थोड़ा थोड़ा दोनों बन जाएगा। मेरी मैया को सब पसंद था, हर खाना पसंद था बहुत, लेकिन उसके हाथ के खाने में स्वाद था अमृत थी। पहले के देखे, पहले के लोग जब खाना बनाते थे चूल्हे पर तो खाना बहुत अच्छा होता है। चूल्हे पे बना दे चाहे जैसे भी बनाए, लेकिन उसके हाथ के खाना का स्वाद था अमृत था। जो हमारे बड़े भैया थे ना,
जब मम्मी मेरी खाना निकालती थी खाने के लिए तो क्या कहते थे, मौसी एक कौर खिला देना, एक कौर अपनी में से एक कौर खिला देना। अच्छा, आपके बड़े भाई? हाँ, बड़े भैया हमारे जो थे, कि उनको इतना अच्छा लगता था मेरी मम्मी के हाथ का खाना कि जब भी खाना खाने बैठो वो बैठती थी जरूर साथ में बैठ जाती थी खाने के लिए। पहले के लोग का हाथ का खाना सच में बहुत टेस्टी होता था। नहीं, वही दरिया सब बनाती थी, लेकिन मम्मी बनाती थी मेरी, तो उसके हाथ का खाना। यही तो मैं कह रही हूँ, सबके सबका हाथ का खाना नहीं टेस्टी होता, बहुत लोग का हाथ का खाना टेस्टी होता, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ भी बनाती थी, तो कोई भी सब्जी वब्जी बना देती थी। रियल की बताऊँ? हाँ बताइए। तुम गुस्सा हो जाओगी, बताओ ना बता। रियलिटी ये है कि गुस्सा क्यों होंगे, रियलिटी ये, वैसा खाना जितना स्वाद मेरी मम्मी के हाथ के खाना था, वैसा खाना आज तक जब से हो गई है मैं कभी नहीं खाया, स्वाद वाला खाना आज तक मैं। देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, ये माँ है तो माँ का हाथ का खाना, तो माँ के हाथ में स्वाद तो रहता ही है। मुझे बुरा क्यों लगेगा इस चीज का, मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। जैसे मैं हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, अरे मेरे हाथ का खाना तुझे अच्छा लगता है? ज्यादा अच्छा लगता है कि कम अच्छा लगता है? कम। देख ले गाइस, देख रहे हैं गाइस, मेरा लड़का जो खाने का स्वाद था मेरी माँ के हाथों में था, वैसा खाना पूरे खानदान में किसी के हाथों में नहीं था। माँ के हाथ का स्वाद कोई नहीं पाएगा, या बहन हो या बीवी हो या कोई भी हो। तो पितर पक्ष का आप जो है पानी देते हुए कितना दिन हुआ? शुक्रवार से दे रहे हैं, तो शुक्र एक शनिवार दो संडे तीन, तीन दिन हुआ है अभी। और जो है कब लगा था? लगा था शायद किस दिन लगा था? बुधवार, मंगलवार या बुधवार में ऐसे लगा था कुछ। लगा था ना? हाँ। तो जो है अब श्राद्ध कब करेंगे, कब खाना? तो नौमी को करेंगे। अगर मान लो नौमी नहीं हो सकता है तो मतलब और कुछ दिन तो होता होगा? नौमी को अगर नहीं होगा तो अमावस्या को कर देंगे, है ना? हाँ, नए बर्तन में करते हैं ना। हाँ, पिछली बार गाइस पता है, पिछली बार हम लोग श्राद्ध किए थे तो जो है इसी बर्तन में सब कुछ किए थे, नहीं तो सारा चीज सब कुछ तो साफ लगता है। जैसे जो आटा है साफ मंगाओ, तेल है, रिफाइंड है, जो भी मतलब घर जो भी यूज है मतलब सब कुछ दुकान से मंगा कर तुरंत करो, ड्रम वराम से नहीं करना चाहिए। परसाल में हम ऐसे ही किए थे और हम लोग परेशान भी हुए, दिक्कत परेशानी ना, क्योंकि ये अच्छे तरीके से ही किया जाता है, साफ सफाई से किया जाता है। सर रिफाइंड है जूठा मत करो, तेल है ये भी सफा मंगवा लो बिल्कुल। और हम सोचे थे घर का है तो सब कुछ मतलब यूज कर लो, बना लो इसी में से। थाली में ही खाना निकाले थे ना जी? हाँ, थाली में थाली में खाना, नया थाली था पर थाली में खाना निकाले थे। थाली में नया इस बार तो पत्तल तल मंगाएंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान है ना इस बार करने का? बिल्कुल याद है, जो गलतियां हुई थी अब की बात नहीं होगी। इस बार मत करना गलती, क्योंकि गाइस जो है ना करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद गलत तरीके से किए थे, इतना भयंकर बीमार पड़े थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे ना। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय गाइस।